तो हाय दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैं हाथ से क्या पकड़ी हूँ। तो ये एक पेंट का डब्बा था जो कि इतना हाइट था, और इसको कटिंग करके मेरे भाई लोग मेरे लिए चूल्हा बना लिए हैं। देख लीजिए, तो ये पूरा कटिंग प्लेयर से कटिंग किए हैं, इसको मोड़े हैं, तो ये चूल्हा टाइप का शेप दिए हैं, और इधर का आधा का कटिंग करके फेंके हैं। तो ये थोड़ा धार धार है, लगने का भी डर है। तो कल मैं थोड़ा अच्छे से बनवा लूँगी इसको, और उसको बनाते टाइम मैं शूट नहीं कर पाई, तो सॉरी। और ये भी पूरा देख लीजिए, मार्कर में पहले खींच के इसको छेदा बनाया है। तो यहाँ से हम लोग जलाएंगे और यहाँ से डब्बा रखेंगे। तो मैं आप लोगों को ऐसे बताती हूँ एक चीज़, तो देख लीजिए। तो मैं ऐसे बना सकती हूँ, इधर से मैं आग जला सकती हूँ। तो इसमें क्या होगा कि किधर भी गंदा भी नहीं होगा, और मेरा चूल्हा ही ऑलरेडी बन गया। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है इसको देख के। पहले मैं ही उनको ऐसे मतलब आइडिया दी हूँ बनाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले जिस फॉर्म में रहते थे हम लोग, वहाँ चूल्हा में खाना बनाते थे, तो ऐसे ही एक बना के रखे थे। तो ये भी देख लीजिए कितना अच्छे से फिट हो रहा है। तो इसी में मैं बनाऊँगी खाना आज, इसमें चिकन बनाएंगे फर्स्ट डे। तो वीडियो आप लोगों का सिर हिमाचल चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं थोड़ा मेरे को जो काम है वो कर लेती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग यहाँ पे गैस में खाना बनाते थे, तो सारे लोगों का गैस ख़त्म हो गया है। दो जगह अलग अलग खाना बनता है, उड़ीसा वालों का अलग, छत्तीसगढ़ वालों का अलग अलग, क्योंकि सब लोग डिफरेंट डिफरेंट खाते हैं इसीलिए। तो सिलेंडर जो है ख़त्म हो चुका है। तो फाइनली मेरे रूम का नहीं हुआ था, लेकिन अब मेरे रूम का भी ख़त्म हो गया है। कैंटीन तरफ का तो पहले ही ख़त्म हुआ था, तो लोग लकड़ी से ही बना रहे थे। अब मेरे रूम का ख़त्म हो गया, तो मैं आई हूँ अभी इधर। मेरे रूम का ये पिछला वाला भाग है, देख लीजिए, ये वाला मेरा रूम का पिछला भाग है। दूसरा खिड़की जो दिख रहा है मेरा रूम है। तो मैं पीछे तरफ आई हूँ, तो ये यहाँ पर कचड़ा फेंकते हैं मेन तो, लेकिन शाम का टाइम है तो मैं अभी कहीं जा नहीं सकती। तो यहाँ पे कचरा फेंकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मतलब यहाँ कटिंग हुआ है पेड़ का, भी देख सकते हैं ये खाली दिख रहा है। तो इसी जगह में गिरा हुआ है लकड़ी, तो मैं उसी को लेके जाऊँगी और उसी में आज खाना बनाएंगे, क्योंकि नहीं रहेगा तो क्या कर सकते हैं, कैसे भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, बच्चे को भी खिलाना पड़ेगा। तो मैं बोरी लेके आई हूँ, एक बाल्टी लेके आई हूँ, तो छोटा छोटा वाला जितना उठाऊँगी तो उसमें डाल के रखूँगी, और फिर कल शाम को फिर भी थोड़ा लेके जाऊंगी, और आज के लिए जितना भी उबर से बनता है मैं ले जाती हूँ उतना। अभी 6 बज रहा है, ड्यूटी ख़त्म हो चुका है 6, लेकिन इधर अभी तक मतलब वो नहीं हुआ है, 5:30-6 हो गए, छुट्टी हो गया मतलब, तो 5:30 बजे छुट्टी हो जाए। तो अभी फिर भी इधर अंधेरा नहीं हुआ है, थोड़ा बदली टाइप का अजीब सा दिख रहा है, देख लीजिए सूरज अभी डूब गया उधर। तो ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। क्या आंटी? ये लकड़ी गैस किला सिलेंडर लगा, सिलेंडर खत्म हो गया, खत्म हो गैस आई था, आग हुई था खाली ना, पूरा कैंटीन भी ऐसा ही रेडी करता है। हाँ लकड़ी कैंटीन में भी नहीं, कोल्ली बनने चलो सर, छिलकल कोचू का भी मन लग रहा है। गाली करता हो इधर कुछ, और रेट ना बिड़ल है, पुलिस आया था इधर। हाँ हाँ सर,
देखिए तो कनाडा वाला आंटी मेरे को देख के मेरा हेल्प कर रही है तो अच्छा लग रहा है, हेल्प कर रही थी, चली गई थोड़ा सा लकड़ी वो देखी। हाँ हाँ ले चलो बेटा चलो चलो आगे आगे चलो हाँ मनो चलो आगे चलो। सो फ्रेंड मैं लकड़ी वगैरह लेके आ गई हूँ, पूरा रात भी हो चुका है, आप लोगों को दिखाती हूँ खिड़की से। ये देख लीजिए पूरा अंधेरा हो गया है और अभी मैं चिकन बनाऊंगी क्योंकि सिलेंडर नहीं जल रहा है। सभी लोग बाहर में खाना रेडी कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा दूंगी ब्लॉग में, दूसरे ब्लॉग में दिखा दूंगी, इसमें दिखा दूंगी, किसी और ब्लॉग में दिखा दूंगी। और मैं अभी चिकन बनाऊंगी, देख लीजिए बाहर में तो मैं सभी लेके जा रही हूँ और ये भाई लोग दिए हैं चिकन, तो मैं मसाले इसमें ले ली हूँ। तो इसका रेसिपी आप लोगों को आशा रानी महाजन चैनलों पे देखने के लिए मिल जाएगा। मैं अभी किसी को शूट करने के लिए बोलूँगी और नाइट का टाइम अभी शूट कर रही हूँ मैं। तो लकड़ी लेके आ गए हैं, तो क्या बोलते हैं मेरा सिगड़ी भी मेरा बना लिए हैं, तो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा इसी वीडियो में, देखने के लिए ऐड कर दूँगी मैं। और क्या बोल रही थी, पता नहीं मेरा गला क्यों अटक रहा है इतना, फिल्टर का पानी भी ख़त्म हो गया है, लेके आते हैं उसको, अभी कोई लेने नहीं गया है। नल का पानी पी ली मैं इसीलिए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, देखते हैं ये वाला ब्लॉग कैसे जाता है। तो मैं जो रेसिपी वाला सूट है वो मैं आशा रानी महाजन चैनल पे डालूंगी, रिव्यू जो रेसिपी करूंगी और इसमें ब्लॉग डालूंगी। तो ठीक है वीडियो में बने रहिए। सो फ्रेंड मैं अभी खा रही हूँ और मनु को बुलाए वो नहीं खा रहे हैं। टेस्ट काफ़ी अच्छा है लेकिन क्या बोलते हैं
मैं इतना सारा खा नहीं पाऊँगी, चिकन मेरे को ज़्यादा सूट नहीं करता, आप लोग जानते ही हूँ। तो भाई लोगों को दे दूँगी, एक दो पीस मैं खाई हूँ, आधा रखूँगी सुबह और दोपहर के लिए, वही बनेगा, फिर नाइट को फिर बनाऊँगी। तो दिन में एक ही बार सब्ज़ी बनाऊँगी शाम को बस, अभी रात को जैसे बना रही वैसे, क्योंकि लकड़ी मैं बनाऊँगी तो प्रॉब्लम होगा इसीलिए। और खाना को तो दो बार ही बनाना पड़ेगा, नहीं बना पाऊँगी तो क्या बोलते हैं, राइस को कैंटीन से मांग के ले आऊँगी, चावल दे दूँगी। और तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज नए चूल्हे का उद्घाटन हम लोगों ने चिकन से किया, तो मेरे भाई लोगों ने मेरे को दिया था, वो लोग लेके आए थे तो उन्होंने मुझे दिया था कि तुम भी, मैं बोली, मुझे बोले सब्जी ले जाना, मैं बोली सब्जी मत दो चिकन ही दे दो, मैं बना लूँगी तो मेरा सूट भी हो जाएगा। तो आज नए चूल्हे में मेरा उद्घाटन हुआ है। तो ठीक है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा, सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।